कैनेडियन वर्चुअल इमिग्रेशन प्रोग्राम के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम उस कैनेडियन पीआर के लिए फ्री में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर कनाडा की वेबसाइट पे आ जाएंगे। वेबसाइट पे आने के बाद आपके पास सामने दो ऑप्शन आ रहे होंगे, रजिस्टर नाउ और लॉगिन। आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक सिंपल सा फॉर्म ओपन हो जाएगा, लेकिन याद रहे कि यहाँ पे आप सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन देंगे जो आपके पासपोर्ट या आईडी कार्ड पे होगी, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और बाद में आपके नेम मैच नहीं होते पासपोर्ट और आपने जो यहाँ पे एप्लीकेशन में नाम सबमिट करवाया होगा तो देन आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए स्टार्टिंग से ही आप कोई भी चीज कर रहे हैं उसको सोच समझ के करें। फर्स्ट नेम में आपका नाम आ जाएगा, लास्ट नेम में आपका फैमिली नेम या सरनेम, जो भी आपके फादर का नाम होगा अकॉर्डिंग टू योर पासपोर्ट, ठीक है, आप वो लिखेंगे। उसके बाद आपके पास ईमेल आ जाता है। ईमेल में याद रहे कि सिर्फ आप अपना एक्टिव ईमेल लिखें जो आपके मोबाइल में एक्टिव हो, क्योंकि आपका जो भी नेक्स्ट प्रोसीजर होगा वो ईमेल के थ्रू ही आपको गाइड किया जाएगा। वेरिफिकेशन आपकी होगी, कोई भी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी, कोई भी कम्युनिकेशन होगी, वो ईमेल के जरिए ही होगी। उसके बाद आपके पास सिटीजनशिप का ऑप्शन आता है। सिटीजनशिप में अक्सर लोग ये गलती कर रहे हैं कि अगर वो लोग अमारात में रह रहे हैं या सऊदीया में हैं या बहरीन में हैं तो वो लोग यहाँ पे अपने उसी कंट्री को एज अ सिटीजनशिप में भी मेंशन कर रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। अगर आप लोग इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, पाकिस्तान से हैं तो आप लोग उसी कंट्री को मेंशन करेंगे जहां की आपके पास सिटीजनशिप है। लेट्स से अगर मैं पाकिस्तान से हूं तो मैं उसको पाकिस्तान लिखूंगा, अगर मैं इंडिया से हूं तो मैं सिटीजनशिप में अपने इंडिया को मेंशन करूंगा, मैं अमारात को मेंशन नहीं करूंगा। उसके बाद जो नीचे दूसरा ऑप्शन है कंट्री ऑफ रेजिडेंस, यहाँ पे हम लोग वो मेंशन करेंगे कि जिस कंट्री में आप लोग रह रहे हैं। लेट्स से अगर मैं अमारात में हूँ तो मैं यहाँ पे यूनाइटेड अरब अमारात को सिलेक्ट करूंगा, अगर आप लोग सऊदीया में हैं, कतर में हैं, बहरीन में हैं तो आप लोग उस कंट्री को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपने अपना एजुकेशन लेवल सिलेक्ट करना है। आपके पास मास्टर्स की डिग्री है, बैचलर्स की है, पीएचडी है, डिप्लोमा है, स्कूल की डिग्री है, कोई भी डिग्री है, जो भी आपका एजुकेशन लेवल होगा आप लोग वो सिलेक्ट करें। और यहाँ पे याद रहे कि आप सिर्फ वही सिलेक्ट करें जिसका आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट हो, जिसका प्रॉपर आपके पास डिग्री हो, अटेस्ट डिग्री हो, आप लोग सिर्फ वही सिलेक्ट करें। इसके बाद हमसे ये सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे येस और नो में। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि आपके पास NLCX का सर्टिफिकेट है या नहीं है, तो इसको हम सिंपली नो कर देंगे। नर्सिंग का कोर्स होता है, ज्यादा हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे ये क्या है क्या नहीं है। इसके बाद ये हमसे पूछेंगे कि आर यू फ्लुएंट इन इंग्लिश, तो हम इसको येस और नो में आंसर कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम इसको येस कर देंगे। अगर आप खुद फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो आप इंग्लिश को अंडरस्टैंड कर रहे हैं ऑब्वियसली, तो इसलिए आप इसको येस कर देंगे। उसके बाद हमसे पूछेगा कि आपके पास इंग्लिश का कोई भी सर्टिफिकेट है, जैसे आइल्स हो गया, टोफल्स हो गया, या कोई भी एग्जाम आपने इंग्लिश का दिया हुआ, अगर दिया हुआ होगा तो येस कर देंगे, अगर नहीं तो इसको आप नो कर देंगे। उसके बाद सेम चीज वो फ्रेंच के लिए पूछ रहा है कि आप फ्रेंच बोलते हैं या नहीं बोलते, तो इसको हम कह सकते हैं कि नो, ठीक है। उसके बाद सेम वो चीज पूछेगा हमसे कि आपको फ्रेंच का कोई आपके पास सर्टिफिकेशन है, कोई कोर्स है, तो हम इसको भी सिंपली नो कर देंगे। इसके बाद हमसे फिर वो पूछ रहा है कि आपका जो पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन है वो आपने कौन सी कंट्री से किया, तो यहाँ पे हम अपना कंट्री को लिख सकते हैं जहाँ से हमारा पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन हुआ हुआ हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, जहाँ से भी आपका होगा आप इसको सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास दो क्वेश्चन के सेक्शन आ रहे हैं, हर सेक्शन में तीन तीन क्वेश्चन है। पहले सेक्शन में आपके पास ऑप्शन है कि आप तीन क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तीन क्वेश्चन आप कोई भी पूछ सकते हैं। जैसे इसके वहाँ पे बेसिक सैलरीज क्या होंगी, क्लाइमेट कैसा होगा, या वहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ के लोग कैसे होंगे, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। और दूसरे जो आपके पास सेक्शन आ रहा है, दूसरे सेक्शन में भी तीन क्वेश्चन है जो आप पूछ सकते हैं, कि यहाँ पे वो हमसे पूछ रहे हैं कि आप ये जो वर्चुअल इवेंट 24 को होने जा रहा है इसके अंदर से आप क्यों इसको अटेंड कर रहे हैं, आपको किस चीज़ की उम्मीद है या